हाय गाइस, तो मैं हूं आपको पैरा लील क्यूट गेमिंग्स एंड गाइस वेलकम बैक टू डे 4 ऑफ टेस्टिंग Xiaomi Pad 6 पीक परफॉर्मेंस। सो गाइस, आज की गेम टेस्टिंग में हम खेलने वाले हैं Farlight 84, जो कि अगेन वन ऑफ माय फेवरेट गेम्स में से आती है। जो मैंने Farlight 84 पे पहले वीडियो डाली है उसके कंपेयर अभी गेम में काफी सारे चेंजेस आ चुके हैं, काफी सारे अपडेट्स आ चुके हैं, गेम काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज हो चुकी है, काफी ज्यादा बेटर ग्राफिक्स हो चुके हैं, काफी ज्यादा बेटर एनिमेशन हो चुकी है, साउंड बेटर हो चुकी है, काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं ग्राफिक्स में, यू नो बैक पैक वगैरह चेंज हो चुके हैं। तो शुरू करते हैं अपने Farlight 84 को। हेई हे वो यार, एंड मैं पहले बता दूं कि मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, तो जो बीच में से माइनर अगर लैग फील होता है आपको, जस्ट बिकॉज ऑफ वाईफाई कनेक्शन, जो मैं वायरलेसली कनेक्ट करता हूं इसको अपने लैपटॉप से, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। उसके अलावा इसमें कोई फ्रेम ड्रॉप्स नहीं आते, जब आते हैं तब मैं बता देता हूं। तो Farlight 84 एक काफ़ी अंडररेटेड गेम है, मैं पहले खेला करता था इसको, लाइव स्ट्रीम्स भी खेला करता था। 184 का अपडेट्स आए हैं, कोई हीरोज के कॉस्ट्यूम्स, ओह माय गॉड, कॉस्ट्यूम देख रहे हो हीरोज के, अनदर रीजन व्हाई आई लव Farlight 84। बाय द वे गाइस, अगर आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि हम ऐसी ऐसी गेमिंग कंटेंट्स लाते रहेंगे, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो एंड या मिलते हैं आपको गेम में वापस। वी आर गुड विद अवर मैगी, ओके, वी आर गुड विद अवर मैगी। बाकी अगर मैं एक बार ग्राफिक्स दिखा दूं, तो ग्राफिक्स सिस्टम चल रही है ये HDR एंड हाई पे चल रही है। वेट, इसके ग्राफिक्स सेटिंग्स चेंज कर दी क्या इन्होंने? ग्राफिक सेटिंग्स चेंज कर दी उन्होंने इसकी। हाय गाइस, तो अभी मैं ना वीडियो एडिट कर रहा था एंड मैंने रियलाइज किया कि जो वीडियो मैंने अभी रिकॉर्ड की है इसमें यू नो उसका प्रॉपर गेम प्ले एंड प्रॉपर गेम दिखाई नहीं गई। हुआ ये कि जो इसका रीसेंट अपडेट था उसमें इन्होंने काफ़ी चेंजेस ला दिए, स्पेशली ग्राफिक सेटिंग्स में। ग्राफिक सेटिंग्स में ऐसे चेंजेस लाए कि जो मैं पहले खेलता था, पहले ये HDR पे एक्सट्रीम एंड लाइक HD अल्ट्रा एक्सट्रीम सब पे ये वो 120 FPS सपोर्ट करता था, सब पे 120 FPS सपोर्ट करता था। बट अभी ये जो रीसेंट अपडेट आया उसके बाद इन्होंने लाइक उसको चेंज कर दिया, ये अभी HDR पे हाई यानी 60 FPS सपोर्ट करता है, बस 40 FPS सपोर्ट करता है एंड बैलेंस्ड एंड HD पे ये 120 FPS सपोर्ट करता है। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ, ये मैं HDR एंड एक्सट्रीम में, इसमें एक्सट्रीम भी HDR शो होता है, तो मैं एक्सट्रीम पे गेम प्ले खेल रहा था, एक्सट्रीम पे इसका हाईएस्ट फ्रेम रेट 60 FPS पहले सपोर्ट करता था ये, या 60 FPS एक्सट्रीम इसका 60 FPS था पहले, तो मैं उस गेम प्ले आपको दिखा देता हूँ। उसमें ये चिपका के 60 FPS देता था मेरे को, लाइक लिटरली एकदम चिपका के पूरा 60 FPS का गेम प्ले चलता था। बट ये जो रीसेंट अपडेट आया है, इस अपडेट के बाद पता नहीं क्यों उन्होंने ग्राफिक सेटिंग चेंज कर दिया एंड इसको अल्ट्रा पे शिफ्ट कर दिया, 40 FPS पे शिफ्ट कर दिया उन्होंने। एटलीस्ट 60 FPS भी देते तो लाइक रीजनेबल था। एंड दूसरी बात, वो जो मैं 144 FPS पे कह रहा हूँ, वो बेसिकली चीज़ ये है कि जो मेरे टैबलेट की डिस्प्ले है, जो टैबलेट का गेम प्ले है एंड जो एक्चुअल गेम का बैकग्राउंड में गेम प्ले है, जैसे मैं गेम खेल रहा हूँ जो मेरे को स्क्रीन पे दिख रहा है बट जो पीछे गेम में हो रहा है, वो दोनों चीज़ें डिफरेंट है। मैं जो खेल रहा हूँ मेरे को 144 FPS का वो लाइक स्मूथनेस फील हो रही है, जो पीछे गेम चल रही है वो गेम जस्ट 40 FPS पे चल रही है, उसमें HDR एक्सट्रीम एंड एवरीथिंग उसमें वो 40 FPS पे चल रही है, बट मेरे को 144 FPS की स्मूथनेस फील हो रही है। तो या थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी एंड मैं सोच रहा था कि हमारे अभी 3 दिन और पड़े हैं एंड मैं कॉल ऑफ ड्यूटी वॉर जोन को भी ऐड करना चाहता था, बट वॉर जोन में दिक्कत ये आई कि अगर वॉर जोन का मैं फर्स्ट इंप्रेशन डालूँ तो फर्स्ट इंप्रेशन काफ़ी यू नो बेकार था, क्योंकि वो 480p पे चलती है गेम, 480p पे चलती है एंड उसके साथ साथ वो खुद कहते हैं कि आप इस गेम को जितने ज़्यादा खेलोगे गेम के ग्राफिक्स उतने ज़्यादा ऑप्टिमाइज होंगे। तो मैं अभी कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन खेलता नहीं हूँ, तो मैंने अभी कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन खेलना शुरू कर दिया, तो मैं इस चैलेंज के अलग से कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन की वीडियो बना दूंगा। अभी मैं कुछ दिन खेलूंगा, ग्राफिक्स उसके थोड़े से बेटर हो जाए, मतलब जो इसका फर्स्ट इंप्रेशन है लगातार खेलने के बाद वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा। जो भी मैं FPS की बात कर रहा हूँ वो सब चीज़ों को इग्नोर करो, क्योंकि मैं लाइक आराम से कह सकता हूँ कि Xiaomi Pad 6 Farlight 84 को लाइक आराम से एक्सट्रीम पे लाइक 100 FPS तक आराम से चला सकता है। चलो 100 भी नहीं, 80-90 FPS तक एक्सट्रीम पे, यू नो हाईएस्ट ग्राफिक्स पे 80-90 FPS तक आराम से चला सकता है। तो मैं कह सकता हूँ कि Xiaomi Pad 6 Farlight के लिए कैपेबल डिवाइस है एंड या आई कैन रिकमेंड इट फॉर Farlight 84। बाकी आप एंजॉय करिए रिव्यू को। हाय कोई रीलोडिंग, होल्ड ऑन, ए न्यू रीपर हैज अराइव्ड, आई नेवर मिस। Another one bites the dust. Reloading for Isle City. No frame drops. और players भी हैं, उनको भी मारेंगे। Where are you? Reaper has been killed.
उसमें स्लाइड भी है। Lightning speed reload coming up. No one's left alive. उधर 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 उधर। You shit humans won't even spare a duck. किससे यार? बार बार क्यों? ये क्या हो रहा है? थोड़ा मेरा नेटवर्क में दिक्कत तो नहीं है कोई भी? अरे वेट वेट वेट, नीचे FPS दिखा रहा है अलग से, मैंने अभी नोटिस किया नीचे 40 FPS दिखा रहा है ये, बट स्मूथनेस की 100 प्लस FPS दिखा रहा है मेरे को। तो मेरी एक्चुअल गेम जो 40 FPS पे चल रही, ओ भाई, तो मेरी एक्चुअल गेम तब से 40 FPS पे चल रही थी, तभी मैं सोचूँ थोड़ा लैग सा क्यों कर रहे हैं बंदे, नेटवर्क इशू लग रहा था मेरे को, बट नहीं FPS है। तो फिलहाल मैं खेलूँगा HD Extreme पे, क्योंकि HDR में फिर से मेरे को हाई का ऑप्शन मिलेगा जो कि 40 FPS होगा, एंड मेरे को वो नहीं चाहिए। अभी ये मेरे को 120 FPS दे रहा है, ओके, एज यू गाइस कैन सी मेरे को 120 FPS दे रहा है। मिनिमम ड्रॉप भी इसका 90 तक जा रहा है, 90 से नीचे नहीं जा रहा फिलहाल, 90 से नीचे ड्रॉप भी नहीं जा रहा है इसका। तो या फाइनली वी आर ऑन 120 FPS, मिनिमम 90-80 के आसपास तो FPS आ रहे हैं। अगर मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताऊँ ना, तो मेरे को कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा वो वाले 120 FPS में एंड इस वाले 120 FPS में, कोई डिफरेंस नहीं है। वो जब 144 FPS पे खेल रहा था ना, या क्वालिटी में थोड़ा डिफरेंस आया है एंड हल्की सी स्मूथ हुई है, लाइक ज़्यादा नहीं कहूँगा, हल्की सी स्मूथ हुई है। भाई कहाँ चले गए? अरे मेरे को अकेले छोड़ गए वो। हल्का सा डिफरेंस आया बस, ज़्यादा नहीं आया। आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंदा। अरे भाई कितना बकबक करते हैं। ओ व्हाट भाई, उन्होंने किक ऐड की। अरे पहले ही जस्ट पंचेस करता था, उन्होंने किक ऐड की है इसमें। वाओ टुपुक टुपुक, नो वन्स लेफ्ट अलाइव। Another one bites the dust. I'm with you, bro. There's a shield here. कौन मार रहा? Level 3. Direct hit. Hit and reloaded. Attack. Another one bites the dust. Rest assured. Oh, भाई मेरा किल चोरी किया। There's a shield here. Level 3. मेरा किल चोरी किया उसने। नथिंग सो फार, एकदम स्मूथ गेम चल रही है, परफॉर्मेंस वाइज भी क्वालिटी वाइज भी। ये रहा अंदर इसके। टीममेट भी साथ था। एक और टीममेट है क्या? किल कंफर्म करने के पहले उसके बाद। There is a magazine here. Yeah. मुक्का always OP guys. मुक्का always OP. Lightning speed reload coming up. भाई उसने पहले किक मारी, किक के बाद उसने मुक्का मारा। ये वो सुपरमैन पंच मार रहा है। किसके हूँ? किसके हूँ? No one's left alive. किक तो बनती है। बड़ा गंदा फ्रेम ड्रॉप आया अभी। भाई सारे मेरे पास ही है क्या? ओहो, बुरा हाल, बुरा हाल, बुरा हाल।
एनिमी ज्यादा आ गए। हील कर ले भाई तू पहले। पीछे वाला भी है ये, पीछे वाले ने पंच किया है मेरे को। ये बंदर बहुत तंग किया मेरे को। ओके एक्सकोड गई। स्कोर भी गई आई गेस। आई एम नाउ द रीपर गाइस। Reloading. I don't. I will return to the kingdom of eternity. Hey, I got ambushed. अरे नहीं आओ। Save me! Dang it! आज नेड कर दिया उसने। Tough delivery. नेड कर दिया उसने। इतनी अच्छी फाइट चल रही थी। तो so far so good. एकदम बढ़िया क्वालिटी रही। तो आई गेस इतना इनफ है आज के लिए। लाइक भाई और क्या चाहिए। एच डी में मेरे को 120 FPS का सपोर्ट मिल रहा है, उसमें भी 1080 FPS आराम से चिपका के दे रहा है मेरे को। तो काफ़ी आराम से मेरे को अच्छे खासे FPS दे रहा है ये, 90 प्लस FPS दे रहा है। बट डिस्प्लेस की लाइक देर इज़ अ लिटिल डिफरेंस। ओके सो देर इज़ अ लिटिल डिफरेंस की जो मेरे को गेम में FPS दे रहा है एंड डिस्प्ले के FPS है वो अलग अलग है। डिस्प्लेस की 144 FPS पे ही चल रही है जो कि स्मूथनेस आपको फील होगी, बट जो इन गेम है इन गेम आपको FPS उसके सेटिंग्स के हिसाब से मिलेंगे। तो यही था हमारा डे 4 ऑफ टेस्टिंग Xiaomi Pad 6 गेमिंग परफॉर्मेंस एंड एकदम बढ़िया परफॉर्मेंस थी Firelight 84 में। Firelight 84 में हमको आराम से लाइक HD में, अगर बात करूँ HD में हमको 90 FPS तक आराम से मिले। इट्स नॉट लाइक मैं इसको गेमिंग के लिए रिकमेंड करूँगा कि आप Firelight 84 के लिए Xiaomi Pad 6 खरीदो, बट गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी। कैजुअल गेमिंग आराम से कर सकते हो, थोड़ी कैजुअल से यू नो प्रो लेवल गेमिंग आप आराम से कर सकते हो इसमें, क्योंकि ऑब्वियसली जो प्रो लेवल गेमिंग करेंगे वो ज़्यादा हाई ग्राफिक्स पे जाएंगे नहीं। FPS इसमें अच्छे हैं, ग्राफिक्स इसमें अच्छे हैं, ग्राफिक क्वालिटी अच्छी मिल रही है, परफॉर्मेंस अच्छी मिल रही है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।